हेलो डियर वंश गुड डे टू ऑल आइए आज इस लेक्चर में ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग करते हैं मैडम राइड्स द बस दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाई वुलिकान दिस चैप्टर इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टेंथ क्लास एन सी ई आर टी इस टॉपिक के माध्यम से हम वल्ली का करैक्टर स्केच और समरी का हिंदी में ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आइए बिगिनिंग करते हैं वल्ली वॉज एन एट ईयर्स ओल्ड गाल वल्ली आठ वर्ष की लड़की थी सी हैड नो प्लेमेट इन हर ओन एज उसकी आयु की उसकी कोई सहेली नहीं थी उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था सी वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट हमेशा वल्ली अपने घर के दरवाजे में खड़ी रहती थी और गली में जो भी घटना घटित हो रही थी उसको देख रही होती थी द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड टाउन बस उसके गांव और शहर के बीच चलती थी वल्ली वॉन्टेड टू हैव अ राइड इन द बस वल्ली बस में सवारी करना चाहती थी सी पिक्ड अप मैनी डिटेल्स बाई द पीपल हु रोड द बस रेगुलरली उसने लोगों से बहुत सारी डिटेल्स प्राप्त की हुई थी सुनी हुई थी बसों के बारे में कि कैसी यात्रा होती है किन लोगों से उन लोगों से जो नियमित तौर पे बस में सवारी किया करते थे नाउ सी हैड नोन दैट द टाउन वॉज सिक्स माइल्स अवे एंड द फेयर वॉज थर्टी पेजिज वन वे अब वह जान चुकी थी कि नगर शहर उसके गाँव से छ मील की दूरी पर था और भाड़ा एक तरफ का तीस पैसे था द बस टुक फोर्टी फाइव मिनट्स टू रीच द टाउन नगर तक शहर तक पहुंचने में पैतालीस मिनट बस लेती थी मतलब शहर में पहुंचने के लिए बस फोर्टी फाइव मिनट्स लगाती थी वल्ली सेव्ड टू टोटल सिक्सटी पेजेज बाई रेस्टिंग मैनी डिजायर्स वल्ली ने अपनी बहुत सारी इच्छाओं के विश्राम देने से अपनी इच्छाओं को मारकर वल्ली ने कुल मिलाकर साठ पैसे बचा लिए थे जैसे वल्ली की डिजायर्स क्या थी वह अक्सर पेपरमेंट टॉयज और बहुत सारी अन्य चीज़ें खरीदा करती थी और वो उन चीज़ों को बचा बचा कर उन चीज़ों को ना खरीद कर उन टेम्पटेशन में ना जाकर बल्ली ने टोटल मिलाकर कुल मिलाकर साठ पैसे बचा लिए थे अपनी इच्छाओं को मार कर मतलब वन डे सी रोड ऑन द बस एक दिन वल्ली ने बस की सवारी की सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट इस बात को देख कर वह है कि यात्रा करेगी बहुत खुश थी वल्ली वी हैव्ड लाइक एन एल्डरली वूमेन ड्यूरिंग द जर्नी यात्रा के दौरान वल्ली ने एक बड़ी महिला के तौर पे एक बिल्कुल बुजुर्ग महिला की तरह व्यवहार किया द बस कंडक्टर एड्रस्ट वल्ली एज ए मैडम यात्रा के दौरान बस कंडक्टर ने वल्ली को एक मैडम के रूप में संबोधित किया वल्ली इरिटेटेड एट हिम वल्ली उस कंडक्टर पर चिढ़ गई थी सडनली यंग काउ केम रनिंग इन फ्रंट ऑफ बस व्हेन बल्ली वॉज रिटर्निंग फ्रॉम टाउन सी सॉ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड अचानक ही जब वल्ली शहर की ओर जा रही थी बस के सामने एक गाय दौड़ती हुई आ गई जब वल्ली शहर से गांव की ओर लौट रही थी वल्ली ने रोड पर एक गाय को मृत पाया सी वो सॉरी इट वॉज अ हॉरिबल सीन वल्ली वी सैड टू सी इट एंड वेंट डाउन यह एक भयानक दृश्य था वल्ली इस दृश्य को देखकर उदास हो गई थी और आगे की यात्रा करने लगी इन दिस वे द ऑथर वलिकानंद प्रेजेंट्स ह्यूमरस स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बिटवीन वल्ली एंड द वस् कनेक्टर इस तरह से लेखिका का कानन वल्ली और बस कंडक्टर के बीच जो बहस होती है उसके रूप में एक हास्यजनक कहानी प्रस्तुत करती है वल्ली जर्नी फ्रॉम टाउन टू विलेज इज रियली एन अम्यूजिंग जर्नी नगर से गांव तक की वल्ली की यात्रा वास्तव में अम्यूजिंग यात्रा रही है बड़ी ही आनंदमयी यात्रा रही है तो डीयर स्टूडेंट डियर फॉलोवर्स देखिए इस टॉपिक में मैं आपकी जो एक छोटी सी त्रुटि है उसको करेक्ट करवा रहा हूँ प्लीज उससे करेक्ट कर लीजिए गलती से वल्ली की स्पेलिंग वी ए डबल एल ई वाई है इसको वी ए डबल एल आई ही ट्रीट करना है मेरा यह छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स के थ्रू सेंड कीजिए आपके आने वाली एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ़ से आपको बेस्ट विशिज थैंक्स टू ऑल